कोई होके कोई होके करना है निको पे निको पे अपने वतन की अपनी पुलिस चौकी नंबर 420 डाकू चोर उचक्कों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस चौकी नंबर 420 चौकी नंबर 420 सर जी हैरत हो रही है पहली दफा देखा है कि कोई पुलिस अफसर हम सब में पैसे बांट रहे हैं और वो भी अपने जाती पैसों से सर जी वैसे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यकीन नहीं हो रहा अबे यकीन दिलाता है क्या अब यकीन आया या एसएचओ साहब से कहूं सर जी ये इजाज निसार और बशीर से जो है ना ये सारे ये पैसे मुझे लेकर दें सर वो मेरे घर के बिल्कुल साथ एक बेवा रहती है मैं इनका हिस्सा उसको दे दूंगा बिरे ये बेवा घर के पास रहती है या घर के अंदर रहती है सर जी ये झूठ बोल रहे हैं ये अपनी बीवी को ही बेवा बेवा कहते हैं बशीर सर जी अकरम साहब की ये बचपन से आदत है जी इनके मोहल्ले में कोई भी चीज बटे ना तो अपने 3 महीने बाद पैदा होने वाले भाई का भी हिस्सा मांग लेता है तुम लोगों ने आम दिनों में हंसी मजाक नहीं छोड़ा तो ये तो फिर खुशी का मौका है मेरी तरफ से भी आपको दिल की गहराइयों से खुदा हाफिज़ सर हम पुलिस वाले भी एक तरह के इंसान हमारी फैमिली जिस तरह बाकी लोगों की खुशियां होती हैं हमारी भी इस तरह खुशियां होती हैं सर मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ नहीं सर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के सीधा घाट जाऊंगा स्पीड मार के जाज भाई इसका बहुत शुक्रिया वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं बस आज का दिन ही अच्छा हूँ बस इजाज भाई गलती हो गई थी एक ताजर को अगवा करने की कोशिश की है ये गलती नहीं है जुर्म है जी इजाज भाई मैं मानता हूँ बस मुझे एक फोन करवा दें ये लो तुम फोन जो बात करनी है जल्दी करो स्पीड मार के ज्यादा बैलेंस नहीं खर्च करना जी इजाज भाई हेलो हाँ कामरान बात कर रहा हूँ थाने से हाँ कामरान थाने ही आ रहा था यार तुम्हें थाने आने की कोई जरूरत नहीं बस मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह तुम फिक्र नहीं करो मैं कुछ करता हूँ कुछ नहीं करना बल्कि जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो कहा ना फिक्र नहीं करो आ गए आप नहीं अभी उधर ही खेल रहा हूँ मैं बैठे मैं आपके लिए सेमियां लेके आती हूँ अस्सलाम वालेकुम भाई तेरा दिमाग ठीक है तेरा है पागल तो नहीं होगी तू मजाजी को दाऊं तेरा मैं भाई क्या कि मेरा भाव ही गिरा दिया सारा आप भी कमाल करते हैं भला मैं क्यों आपको भाई बोलूंगी जो आपके साथ आपके दोस्त मिलने आए हैं आपको मैंने तो उन्हें भाई बोला है चलिए मैं तो अपने सारे दोस्त दुश्मन थाने छोड़ कर आया हूँ तो फिर ये कौन है आपके साथ मेरे साथ हाय मैं मर जाऊं मैं तो इतनी देर से इसे आपका दोस्त समझती रही हूं पागल तो नहीं होगी तो ये मेरा दोस्त हर पिस्तौल वाले को मेरा ही दोस्त समझना तो मुझे क्या पता मैं तो समझता हूं जिनके पास पिस्तौल होता है वो पुलिस वाले होते हैं तू मुझे मरवाएगी मैंने पहले कहा था अब भाई साहब आप ये तो पागल है आपने जो लूटना है भाई साहब लूट ले यहां से बस ये खीर छोड़ देना भाई साहब भाई साहब इसे भी छोड़ देना क्योंकि खाने के बाद फिर बर्तन किसने धोने हैं बाकी लूट ले जो लूटना है आपने मुझे कामरान चाहिए भाई साहब वो तो टीम को नहीं चाहिए आपने उसका क्या करना है मैं कामरान अकमल की बात नहीं कर रहा मैं उस कामरान की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे हवालात में बंद है भाई साहब मैं घर पे हूँ वो थाने में है अब कामरान है कोई वेबसाइट तो नहीं है जो इधर बैठा बैठा खोल दूं आप थाने फोन करें आप उन्हें बोलें कि कामरान को छोड़ दें तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है थाने फोन मिलाओ और एक बात ज़हन में रखना उनको जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वरना तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा मैं बीरे बहुत बुरा लगेगा लोग इधर से उधर तक देखेंगे अच्छा नहीं हाँ जी बीरे फोन मिलाओ मैं फोन मिलाता हूँ पता क्या जिनको फोन करना ना अकरम भाई को वो ऐसा आदमी है उनको तो कोई 10 रुपए दे दे वो नहीं छोड़ते तो मेरे कहने पे वो अगवा वाला मुजरिम कैसे छोड़ेगा बीरे आप थाने फोन तो करें अपने कुलीग को हो सकता है वो आपकी जान बचाने के खातिर इनके साथी को छोड़ दे अच्छा मैं सही कह रही है फोन मिला मैं मिलाता हूँ ये तो परे करो ना नंबर ही नहीं याद आ रहा है बीरे सर जी ये टॉम एंड जेरी आपसे कितने मिलते जुलते हैं तुम्हारा मतलब है कि मेरे रिश्तेदार हैं अच्छा आपने पहले बताया ही नहीं स्पीड मार के बकवास बंद कर
वो बशीर दरअसल। हेलो, हाँ बशीर। वो सर जी, ये जो मुलजम हमने पकड़ा है, कल को इसको सजा हो ही जानी है। मैं चाहता हूँ हम इसको पहले ही छोड़ दें, ताकि ये पहले ही हमें दुआएं दे दे। ज़रूर उसको पहले जेल भेजना है, उधर सजा होगी, फिर बाद में आकर दुआएं देगा। इतनी लेट दुआएं लेने का क्या फ़ायदा, फिर आज ही ले लेते हैं। लो बशीर को देखो। जी सर। कहाँ जा रहे हो? वो आपने खुद ही तो बोला है बशीर को देखो। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? फोन पर मुझसे बात कर रहा है तो कहाँ से जाके देखोगे? वीरेंद्र मेरी बात सुनो। सर जी, मुझे गड़बड़ महसूस हो रही है। जा जा के पक्की खा, हर शायद खा जाते हो जाल ना उनते। और चिट्टे चावल ते करेले पा के कोई खांदा, तू ते वो भी खा जाना। सर, निसार का ये मतलब नहीं है स्पीड मार्क का। की मतलब है? एक मिनट ठहर जा। जी वीरेंद्र मेरी बात सुनो, मेरी बकवास सुनो। मैं कब से शेर की तरह भौंक रहा हूँ? मेरी बात सुनो बशीर, बेवकूफी ना करो। अगर ये बात SHO साहब तक पहुँच गई ना, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ मेरी भी गई। वीरे, नौकरी से ज्यादा जान प्यारी होती है। आपको नहीं पता इस बात का, आपके सर पे पिस्तौल हो तो आपको पता चले। वीरे मेरी बात सुनो बशीर, मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या बातें कर रहे हो। तुम कोई ऑल फॉल गुफ्तगू कर रहे हो, अल्लाह का वास्ते फोन बंद करो। जी क्या हुआ? काट दिया उसने। लगता है तेरा हाथ काट कर उनको भेजूंगा तो फिर उनकी समझ में आएगा। ना वीरे, यरगमाली अपनी जगह पे, हाथ ना काटना। हाथ काट गया तो बंदा बहुत बुरा लगेगा। मैं बेल्ट कैसे बांधूंगा? और एक बात ध्यान में रखना, कोई चलाकी नहीं चलेगी वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। ना भाई ना, मेरा शोर बहुत सीधा साधा आदमी, उसके अंदर कोई होशियारी चलाकी नहीं है। आप जैसा कहोगे ना वो वैसे ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मिलाओ थाने फोन। थाने मिला रहा हूँ। सर, सर फोन किसदा है? वो मेरे। हाँ बशीर, रो क्यों रहे हैं? वो खैर ते है ना? बीरे रो तो मैं पहले भी रहा था, उस वक्त मैंने बताया नहीं, मैंने खुद को साइलेंट पे लगा लिया। बीरे हमारे वो हवालात में मुलजम नहीं है कामरान, बीरे उसको छोड़ दो। उसके साथी ने मेरे ऊपर पिस्तौल तानी हुई है। नहीं नहीं, वो तानी नहीं जो मौला जट में थी। नहीं नहीं, तानी दूसरी। और ये तानी हुई पिस्तौल किसी वक्त भी चल सकती है। ओए हेलो, ओए गल सुन। ओए क्या हुआ सर जी? ओए इजाज निसार, कम खराब हो गया। क्या हुआ सर? ओए साडे कोले जेड़ा हवाला था नहीं कामरान, हां उस दे भाई ने बशीर नु ते ओदी फैमिली नु उथे यरगमाल बना रिया। ओ कह रहे कि जदों तक तुसी उनु छड्डोगे नहीं ना, मैं इन्हां नु नहीं छड्डांगा। ओए मेरी गल सुनो, ओए कामरान नु छड्णा नहीं, लेके आए सुनो। मैं अभी लेके आता हूँ, स्पीड मार के सब्जी से बाहर निकलो। है मुझे गुस्सा ही बहुत है उसपे। आ कामरान, चलो जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें अकरम साहब ने बुलाया। अकरम साहब ने मुझे बुलाया? हाँ, अकेला गया इधर। अच्छा तो वो तुम हो कामरान हैं, जिसके साथी ने वहाँ हमारे हेड कांस्टेबल बशीर को यरगमाल बना रखा और संघ हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। फोन पड़ा ये लेना है, पढ़ कर रखो। सुनो, हिलना नहीं स्पीड मार के। हेलो बीरे, सर जी। जी बीरे, अगर बशीर की जिंदगी चाहते हो तो कामरान को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा या बुरा अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अकरम है। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे तुम, ये अभी तुम्हें कामरान की आवाज से पता चल जाएगा। अच्छा क्या? अच्छा ये सुनो, सुनो वीरे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या कहा? ये भी सुनो, एक मिनट ठहरी। आ रही है आवाज? आ रही है? अब मैनू नहीं आ रही क्योंकि मैं पुट्ठा पड़े हुआ। हाँ आ रही है आवाज? इसकी आवाजें भी सुनो। इधर नहीं मारते, शादी में हाथ था। हाथ
हाथ पीछे रख। अच्छा जी। हाथ हाथ पीछे रख। मार गया जी। आप पता चला कानून क्या होता है? आवाजें सुनाई दे रही है ना? सर जी कोई अकल से काम ले, उसे ना मारे। बशीर तुम बिल्कुल ना घबराओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, मैं कचूमर निकाल दूंगा इसका, तुम देखना तो सही, अभी सब ठीक हो जाएगा। चले भाई, चले नहीं। फिर चीखे कामरान की जी, वीरे वीरे बहुत जलाद का बच्चा है ये भी सुनो, सुनो। अभी देखना पानी। मैं देती हूँ आपको पानी। बेटा कोई इसको पानी नहीं देगा, सुना तुमने? पानी पानी पानी, पानी। मैंने यहाँ छबील लगाई हुई है, पानी दे पानी पानी पिला दो। पानी लाड लाना बंद। सर जी पानी। बशीर घबराओ ना, पानी की जगह मैं तुम्हें संदल का शरबत पिलाऊंगा। साहब जी आपको अल्लाह का वास्ता, इस मुल्ज़िम को पानी पिला दे, इसको पानी पिलाएंगे तो मुझे पानी मिलेगा। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ओ इजाज जी सर, पानी लेके आओ, स्पीड मार के लेके आओ, पानी लेके आओ। आया इसने मेरा पानी रोका हुआ। पानी क्या हुआ? ये हुआ, जा उठ जा इधर से। ये हुआ तेरी, ये हुआ। ऐसे खुद को लगे पता चले। चुप कर जा। हेलो हेलो, हाँ जाजी कामरान बोल रहा हूँ। हाँ पुलिस वालों ने मुझे रिहा कर दिया है। इसका मतलब है कि प्लान कामयाब हो गया। हाँ यार अब तुम भी वहाँ से निकलने की करो। अभी आपके भाई को छोड़ दिया उन्होंने? हाँ कामरान का फोन था। अच्छा रिहा कर दिया उन्होंने, शुक्र अल्लाह का। मेरी बात सुनो जी, कोई ज्यादती कोई बदतमीजी की हो उसके लिए माफी चाहते हैं। आपने इनके साथ कितनी ज्यादती की, आपने इनको कितना मारा है। चलो छोड़ दो, क्या हो गया, मारा तो कुछ भी नहीं होता। बाहर को दरवाजे पे वीरे, कोई चलाकी नहीं चलेगी। आप जाओ, जो भी है आप उसको अवॉइड करो, चुप करके निकल जाओ। पुलिस को अवॉइड कौन करता है यार, वीरे फजूल बातें। जाओ देख जाके कौन है। जाओ तुम चेक करो, कोई चलाकी नहीं चलेगी। चलाकी उसने क्या करनी बेचारी ने। बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम आंटी। अम्मी ने बिरयानी भेजी है। अच्छा बिरयानी भेजी है, थैंक यू। ठीक है मैं बर्तन बाद में भिजवा दूंगी। अंकल बशीर कहाँ है? वो असल में बेटा उनकी ना तबीयत खराब है। आंटी अंकल की तबीयत खराब है या आपकी नीयत खराब है? नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। मेरे अपना नहीं बेटा, मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं है। बेटा मेरा पर्स जो है ना वो घर रह गया है। वो किसका पर्स है? कौन सा बेटा? शुक्र है आप आ गए, वरना वरना कोई बात नहीं भाभी जी, आपका सुहाग सलामत रहे। बशीर बहुत, मेरा मतलब है हमारा बशीर सलामत रहे, सुहाग बहुत। मेरा ख्याल है ये जुमला ही पूठा लिखा है, इसको जैसे भी बोलूंगा गल पूठी बनेगी।
अरे एक मिनट, ये मेरा मेहमान है और इसने मेरे घर में नमक खाया है और खुद खाया और बहुत ज़्यादा खाया है। इस मौका के ऊपर इसको मैं खुद अपने हाथों से गेट तक मारता हुआ छोड़ के आऊँगा। पहले ऐसे क्यों किया? अपने वतन की अपनी पुलिस चौकी नंबर 420।